आज की वीडियो देखने के बाद जो आप लोगों की अर्निंग होने वाली है वो 5 to 6 टाइम्स ज्यादा होगी। आप लोगों को विड्रॉ जरूर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अंजुम इकबाल आप लोगों के सामने। आज थोड़ा सा डिफरेंट है इस वीडियो को बनाने में और इसका कंटेंट खास तौर पर लिखने में मुझे तकरीबन 6 से 7 दिन लगे। जानते हैं क्यों? जब मैंने इस वीडियो का कंटेंट पहली बार लिखा 6-7 दिन पहले, तो उसमें वो लोग एडजस्ट हो रहे थे, उन लोगों की अर्निंग शुरू हो रही थी जो लोग पढ़े लिखे जिनकी इंग्लिश अच्छी है। लेकिन मैंने 6 दिन क्यों लगाए कि उन लोगों की भी अर्निंग शुरू हो जो पढ़े लिखे नहीं या जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं, जिनके स्पेलिंग अच्छे नहीं। और ये कैसे मुमकिन है? क्या मैं आप लोगों को टोटल इंग्लिश सिखाऊंगा? नहीं, कुछ ऐसी टेक्निक्स मैं आप लोगों को सिखाऊंगा जो कि बहुत ही आसान है, एक छोटा सा बच्चा भी उसको कर लेगा। और उसके बाद पढ़े लिखे या वो लोग जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, और इसके बाद वो लोग जिनकी इंग्लिश अच्छी है और वो लोग जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, दोनों इस वीडियो से मुकम्मल तौर पर फायदा उठा सकोगे। आप लोग जानते हैं कि दिन रात मेरे जहन में एक ही चीज होती है कि आप लोग अर्निंग के काबिल बन जाओ। मेरी सोशल मीडिया पे आने की सबसे बड़ी मोटिवेशन ये है, सबसे बड़ी वजह ये है। जो लोग मुझे स्नैक के जमाने से जानते हैं उन लोगों को ये बात बखूबी पता है, लेकिन जो लोग एज अ यूट्यूबर मुझे जानते हैं वो लोग भी अब ये बात जान जाए कि मैं क्या चाहता हूं। और वो वक्त दूर नहीं कि मेरा ये ख्वाब पूरा हो सकेगा और आप सब लोग अर्निंग के काबिल बन जाओगे। बस आप लोगों ने वीडियो को मुकम्मल देखना है और आप लोगों ने मेहनत जरूर करनी है। देखिए, दुनिया में कोई चीज नामुमकिन नहीं है। अगर आप लोग ये सोचे कि ऑनलाइन अर्निंग अगर आज तक नहीं हुई तो अब कैसे हो सकती है, ऐसा कभी मत सोचिएगा। शायद आपका दिन आज का हो, शायद आपका दिन ये वीडियो देखने के बाद शुरू हो। खुद को मोटिवेटेड रखें, आप सब लोगों की अर्निंग इंशाल्लाह जरूर शुरू होगी। आगे चलने से पहले जितने भी लोग इस चैनल पर नए हैं, फौरन से इसको ज्वाइन करें, इसकी नोटिफिकेशन को ऑन करें, क्योंकि ऑनलाइन अर्निंग मैंने आप ही लोगों को सिखानी है। आज मेरी आप सब लोगों से ये दरख्वास्त है कि इस वीडियो की ड्यूरेशन माना के ज्यादा है। एक्चुअली जब ये वीडियो बनी थी तो तकरीबन 50 मिनट से ऊपर की थी, लेकिन इसको एडिट कर करके मैंने कम किया है। इससे ज्यादा ये कम नहीं हो सकती। तो वीडियो का एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग एक भी स्टेप मिस कर दोगे तो फिर आप लोग की अर्निंग नहीं हो सकती। तो आप लोगों ने सुकून के साथ इस वीडियो को देखना है और स्किप से हाथ बिल्कुल पीछे रखना है। आज आप लोग जानते हैं कि एक यूट्यूबर और ब्लॉगर जो कि ब्लॉग्स लिखता है उनको व्यूज पे पेमेंट होती है, ऐसा ही है ना? एक यूट्यूबर को कितनी अर्निंग होती है आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। एक एवरेज बता रहा हूं, अगर 1000 व्यूज आते हैं एक वीडियो पे तो शायद 0.5-0.2 डॉलर या 1 डॉलर के करीब करीब या सम टाइम इससे ज्यादा अर्निंग होती है। इसी तरह ब्लॉगर की अर्निंग होती है। लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद जो आप लोगों की अर्निंग होने वाली है वो 5 to 6 टाइम ज्यादा होगी। यानी कि 1000 पे आप लोगों की अर्निंग कितनी होगी, डू यू नो? तकरीबन $10 से ऊपर, यानी कि 5-6 टाइम भी नहीं, ये उससे भी ज्यादा की अर्निंग होगी। इस वेबसाइट पर आप लोगों ने करना क्या है, पहले ये बता देता हूं कि ये वेबसाइट 100% ऑथेंटिक है, लेजिट वेबसाइट है। इस पे आप लोग जरूर काम करें, आप लोगों को विड्रॉ जरूर मिलेंगे। किसी भी किस्म की इस चीज में मत आइएगा कि नहीं अर्निंग हो तो विड्रॉ नहीं मिलेंगे या अर्निंग नहीं होगी। दोनों काम होंगे, दोनों काम होंगे। एक एक स्टेप को समझना है आपने। अच्छा, इस वेबसाइट पे आप लोगों ने करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों ने आर्टिकल लिखना है, इस बात से परेशान ना होइएगा। इनफैक्ट आप लोगों ने लिखना नहीं है, आपको लिखा लिखाया मिल जाएगा। सारी टेक्निक्स मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, सारी टेक्निक्स, ठीक है? अब उसको आपने अपलोड करना है, बहुत ही आसान तरीका है, पूरा सिखाऊंगा, मुकम्मल सिखाऊंगा, एक एक चीज सिखाऊंगा। इसके बाद वो आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा उनकी वेबसाइट पे। उस पे अगर आप लोगों के 1000 व्यूज आते हैं जो कि बहुत ही आसानी के साथ आ जाएंगे तो आप लोगों को $10 तक मिल सकता है। अब ये CPM क्या है, डिफरेंट कंट्रीज में
जब आप लोग के इस आर्टिकल को पढ़ा जाएगा, ओपन किया जाएगा, क्लिक किया जाएगा, तो उसके मुताबिक आप लोग की अर्निंग भी ज्यादा होती रहेगी। ये सब कुछ मैं अभी स्क्रीन पे दिखाऊंगा आप लोगों को, लेकिन ये चीजें समझ जाएं। इवन पाकिस्तान में भी अगर देखा जाता है आपका आर्टिकल, तो यहां पर भी $5 आपको मिल सकते हैं। यानी कि ये बड़ी मजे की बात है कि इंटरनेट पे एक चीज पूरी दुनिया में देखी जाती है, डिफरेंट कंट्रीज वाले देखेंगे। तो ये मत सोचें कि मुझे $5 मिलेंगे 1000 व्यूज पे या $10 मिलेंगे। आप लोग के जितने व्यूज बढ़ते रहेंगे, ये डॉलर्स बढ़ते रहेंगे। अगर आपके 10 आर्टिकल्स हैं और आपको $10 मिलता है 1000 व्यू का, तो अंदाजा लगा ले पाकिस्तानी तकरीबन 23,000 रुपए आपको मिल जाएंगे। ये छोटी बात नहीं है। और आप लोग बहुत ही आराम के साथ एक दिन में एक आर्टिकल अपलोड कर सकते हैं, चाहे आपको इंग्लिश ना आती हो, ठीक है ना। अब आप लोगों ने इन चीजों को समझना है, इंप्लीमेंट करना है, स्टेप बाय स्टेप समझना है। अगर पहली बार समझना है तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, सब समझ आ जाएगी। अच्छा, सेकेंडली, अगर आप लोगों के जहन में यह आ रहा है कि मेरा आर्टिकल पढ़ेगा कौन, कौन उसको क्लिक करेगा, आप जिस वेबसाइट पे इसको अपलोड कर रहे हो उस पे बहुत ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक है। और मैं आप लोगों को खुद अभी सिखाऊंगा कि आप लोगों ने किन टॉपिक्स को उठाना है, किन टॉपिक्स पे बनाना है, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लेनी आपने। अच्छा, एक पॉइंट मैं यहां पर और भी क्लियर कर देता हूं कि बहुत से लोग कहते हैं कि मोबाइल पे आप वीडियो बनाया करें, यानी कि मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि लैपटॉप की स्क्रीन पे बनाओ। देखें, मोबाइल पे अगर आप गूगल को ओपन करेंगे या लैपटॉप पे, डिस्प्ले में वही चीजें आएंगी, ठीक है ना। लैपटॉप पे क्या है कि स्क्रीन जरा बड़ी होगी, आप लोग आराम से चीजों को समझ जाएंगे। मुझे सिखाने में भी आसानी होगी, आपको समझने में भी आसानी होगी। और वही चीज जब आप मोबाइल पे करेंगे तो वही ऑप्शंस आपको दिखाई देंगी, कोई डिफरेंट चीज दिखाई नहीं देगी आप लोगों को। इस वेबसाइट का नाम है पेड फॉर आर्टिकल्स, कोई नई वेबसाइट नहीं है। बहुत अरसे से लोग इससे कमा रहे हैं और बहुत ज्यादा कमा रहे हैं। आप लोगों ने कैसे इस वेबसाइट तक पहुंचना है, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक दे देता हूं और एक और तरीका भी सिखा दूंगा कि गूगल पे आपने कैसे सर्च करना है अभी लैपटॉप की स्क्रीन पे। इसके अलावा आप लोगों ने कैसे अपना अकाउंट बनाना है, कैसे आप लोगों ने अर्निंग करनी है, कैसे आर्टिकल लिखना है और कैसे उसको पब्लिश करना है, एक एक चीज मैं यहां पे सिखाऊंगा। और इवन विड्रॉ का भी बताऊंगा कि विड्रॉ के मेथड्स कौन से हैं, कैसे आप लोग विड्रॉ कर सकते हैं। तो चलते हैं जनाब लैपटॉप की स्क्रीन पे और समझते हैं कि कैसे हम लोगों ने अर्निंग करनी है। गूगल ओपन करने के बाद आप लोगों ने यहां पे लिखना है पेड फॉर आर्टिकल्स, और यहां पर आप लोगों ने paidarticle.com जो सर्च में सबसे टॉप पे है, इसको क्लिक करना है। और ये हमारी वेबसाइट आ चुकी है जहां से हमने बहुत से पैसे अर्न करने हैं। थोड़ा सा मैं आप लोग को CPM भी दिखा दूं कि ये साइट आपको कितना पे करेगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पे आउट रेट्स को। अगर आपके आर्टिकल को स्वीडन में देखा गया 1000 लोगों ने, तो आपको $10 दिए जाएंगे। यकीन जाने बहुत ही ज़्यादा पेमेंट है ये, क्योंकि अगर आप लोग YouTube पे भी काम करें, जैसे मैंने पहले बताया, तो आपको 1000 व्यूज के $0.5 या $1 के करीब करीब मिलता है। यहाँ पर $10 दिए जा रहे हैं। यहाँ पर आप लोग बाकी कंट्रीज को भी देख सकते हैं और पाकिस्तान को भी देखते हैं कि पाकिस्तान में अगर आपके आर्टिकल्स को देखा गया तो कितने पैसे मिलेंगे। तो जनाब $5 यहाँ पर दिए जाएंगे 1000 व्यूज पे। और इस वेबसाइट पे बहुत ट्रैफिक आती है, इतने व्यूज आप लोगों को आराम से मिल जाएंगे। बस आर्टिकल आप लोगों ने बहुत ही अच्छा लिखना है। अगर आपको आर्टिकल की अलिफ बे भी नहीं आती तो भी आपने टेंशन नहीं लेनी। ऐसा तरीका मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आपको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं रहेगी, ठीक है। तो बी कॉन्फिडेंट और पूरी वीडियो को देखिएगा, कोई बात मिस मत कीजिएगा। बैक चलते हैं। अच्छा, इस वेबसाइट पे थोड़ा सा आप लोगों ने एड्स से बच के चलना है, क्योंकि लेफ्ट राइट हर जगह एड्स मिल रहे हैं आपको। बस आप लोगों ने अपने काम से काम रखना है। यहाँ पर अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है, मैं ऑलरेडी अकाउंट बना चुका हूँ। अगर आप लोग गूगल के अंदर भी लिख देते हैं ना कि पेड फॉर आर्टिकल्स रजिस्टर्ड, और इस लिंक को अगर आप दबाएं, सिर्फ आप लोगों ने अपना नाम लिखना है, अपना यूजर नेम लिखना है, अपना ईमेल एड्रेस लिखना है और अपना पासवर्ड लिख के रजिस्टर हो जाना है। बहुत ही सिंपल है, मैं ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका हूं, तो मैं लॉगिन करता हूं।
जी लॉगिन मैं कर चुका हूँ। मेंबर डैशबोर्ड को अगर मैं दबाऊँ तो यहाँ पर कहा जाएगा कि मैं इन लोगों को फॉलो करूँ इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पे, तो $0.5 दे दिए जाएंगे। आप लोग यहाँ पर $0.5 इससे भी कमा सकते हो। चलिए मैं इसको क्रॉस करता हूँ और जनाब अब आप देख सकते हैं डैशबोर्ड के डैशबोर्ड पे कौन कौन सी ऑप्शन है। यहाँ पर पेड व्यूज़ इस टाइम ज़ीरो हैं, ज़ाहिर है कि कोई भी आर्टिकल अभी तक पब्लिश नहीं है। इसके अलावा अर्निंग्स भी ज़ीरो हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर आप सारा कुछ अपना देख सकते हैं कि आप लोग की अर्निंग कितनी बनती जा रही है, राइट। और ग्राफिकल व्यू भी आपको यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो होम के बटन के साथ आप देख सकते हैं कि न्यूज़ का बटन है, बिजनेस, गेमिंग, एजुकेशन, स्पोर्ट, लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक, साइंस, एंटरटेनमेंट, बहुत ही ज़्यादा कैटेगरीज हैं। इन कैटेगरीज पे आप लोग आर्टिकल लिख सकते हैं, इसमें तमाम चीज़ें ही कवर हो जाती हैं। अब आर्टिकल कैसे लिखना है आप लोगों ने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। अब इन कैटेगरीज में किसी भी एक पर या ज़्यादा पर आप लोगों ने अब ये वो कैटेगरीज हैं जिसमें से आप किसी का भी इंतखाब कर सकते हैं और आर्टिकल्स लिख सकते हैं। अब अगर आप लोगों को आर्टिकल लिखना आता है, ब्लॉग लिख सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं लिख सकते तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं आप लोगों को ऐसी टेक्निक सिखाऊंगा कि आप लोग आराम से अपना आर्टिकल लिख सकोगे और कमा भी सकोगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अच्छा, अगर आप लोग लेफ्ट पे देखें तो यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है माय आर्टिकल्स की। अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपके सारे आर्टिकल्स आ जाएंगे जो कि आप लोग आने वाले वक्त में लिखेंगे, और साथ साथ उनका स्टेटस भी आप लोगों को पता चलता रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने जनाब क्या करना है, आपने एक आर्टिकल लिखना है। अब आर्टिकल कैसे लिखना है, बहुत ही तवज्जो के साथ आपने इस चीज़ को समझना है। एड आर्टिकल को आप लोगों ने प्रेस करना है। अब यहाँ पर आप लोगों ने आर्टिकल कैसे लिखना है, देखिए सबसे पहले तो आर्टिकल का एक टाइटल होगा। टाइटल कैसे लिखना है मैं बताऊंगा। इसके बाद आप लोगों ने कैटेगरी डिफाइन करनी है कि आपका आर्टिकल किस कैटेगरी का है। इसमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं जैसे थोड़ी देर पहले भी मैंने आप लोगों को बताया, राइट। इसके बाद आप लोगों ने जनाब समरी लिखनी है अपने आर्टिकल की। इसके लिए भी परेशान मत होइएगा, मैं आपको टेक्निक सिखा दूंगा। और यहाँ पर आप लोगों ने इनफैक्ट कंटेंट लिखना है अपना, यानी कि आर्टिकल लिखना है। एक चीज़ समझने वाली है कि यहाँ पर आप लोग 500 वर्ड से लेकर 2000 वर्ड तक लिख सकते हो, 2000 से ज़्यादा ना हो। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता कि वर्ड काउंट कैसे करते हैं, यहाँ पर आप लोग देखें क्या लिखा हुआ है, 0 वर्ड्स। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखता हूँ आई एम Going to Lahore। अब ये कितने words हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और नीचे क्या लिखा हुआ है, 5। बात समझ गए। इस तरह के 500 words आप लोगों ने लिखने हैं, लेकिन आप लोगों ने अगर नहीं लिखने तो मैं आपको तरीका सिखा दूंगा, और 2000 से ऊपर ना हो। क्लियर होगी ये बात। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं। इसके बाद आप लोगों ने जनाब यहाँ पर चूज फाइल करनी है, यानी कि आप लोगों ने एक पिक्चर अपलोड करनी है अपने आर्टिकल से रिलेटेड। अब पिक्चर कैसे आएगी, थोड़ा सा सबर करें, सब बताऊंगा। इसके बाद मैसेज टू द रिव्यूअर, ये एक मैसेज आपने लिखना है, ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। अब आप समझ गए, ये है टोटल काम। इसके बाद आप लोगों ने जनाब सबमिट के बटन को दबाना है और कहानी ख़त्म, बल्कि कहानी शुरू, क्योंकि इसके बाद आप लोग की अर्निंग शुरू हो जाएगी। चलें इसको रिमूव करते हैं और एक्चुअल काम पे आते हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने टॉपिक कैसे चूज करना है, इसमें थोड़ी सी मैं आप लोगों को गाइडलाइन दे देता हूं, बाकी आप लोग अपने मुताबिक भी लिख सकते हैं आर्टिकल्स। अच्छा, ज्यादातर सर्च जो इंटरनेट पे होती है, फॉर एग्जाम्पल टॉप 10 लैपटॉप्स, टॉप 10 स्मार्टफोन्स, टॉप 10 साइकिल्स, टॉप 10 कार्स, ये वो टॉपिक्स हैं जिन पे बहुत ही सर्च होती है। टॉप 10 ड्रामास, टॉप 10 मूवीज, बात को आप समझ गए। इसके अलावा हाउ टू पे बहुत सर्च होती है, हाउ टू राइट एन एसे, हाउ टू इंक्रीज व्यूज ऑफ योर वीडियोस। इसके अलावा व्हाट इस पे भी बहुत सर्च होती है, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, बात समझ के। इस किस्म के टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा सर्च होते हैं। तो यहां पर आज जो हमने प्रैक्टिस करनी है, जो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, वो है टॉप 10 के हवाले से। टॉप 10
लैपटॉप्स ऑफ द वर्ल्ड। अब आपको कुछ भी लिखना नहीं आता, मतलब ये चीज मैं मिसाल के तौर पर कह रहा हूं कि आप लोगों को बिल्कुल नहीं आता लिखना, अब आपने जीरो से कैसे सीखना है, साथ साथ चलिएगा। चले जी, गूगल पे आ जाए और यहां पर लिख दें टॉप 10 लैपटॉप्स, ये हमारा टॉपिक है। अब यहां पर लिखा हुआ है टॉप 15 लैपटॉप्स यू कैन बाय, अच्छा है ये, इसको भी हम देख सकते हैं और बहुत सी ऑप्शंस और भी अवेलेबल है। मैं फर्स्ट ही ऑप्शन में चला जाता हूँ। यहाँ पर जनाब बहुत ही अच्छा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, और थोड़ा सा नीचे चलते हैं। बिल्कुल जी, वन बाय वन लिखा हुआ है, वन पे ये है, टू पे ये है, थ्री पे ये है। चले जी, अभी मैं फिलहाल जो प्रैक्टिस आपको कराऊंगा वो पहले दो जो है टॉप टू जो है इसको उठा लेता हूँ, बाकी आप लोग सेम तरीका बाकियों पे भी कर लीजिएगा। यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है इसको हमने कॉपी किया, वर्ड पे आ जाए जनाब और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। ये हमारा हो गया पहले लैपटॉप का, ठीक है, और ऊपर लिख भी दीजिएगा ये लैपटॉप कौन सा है, वो भी उठा लेते हैं जनाब, दिस वन, इसको भी टॉप पे कॉपी कर लेते हैं। टेंशन नहीं लेनी जनाब, बहुत ही आसान है, आप देख लें कि आपने ये सारा कुछ लिख भी लिया, लेकिन इसको एज इट इज आप लोगों ने अपलोड नहीं करना, प्लेजरिज्म का इशू आ सकता है। सारा कुछ समझाता हूँ जनाब। अच्छा, अब दूसरा भी यहाँ से उठा लेते हैं टेक्स्ट, और इसको भी इसके नीचे पेस्ट कर देते हैं। क्लियर होगी बात। इसी तरह आप लोगों ने नीचे टॉप 10 का अगर टॉपिक है तो 10 के 10 आप लोगों ने यहाँ पर पेस्ट कर देने, ताकि एक ही दफा में काम हो जाए। मैं मिसाल के तौर पर अभी दो उठा रहा हूं। अब आपने जनाब क्या करना है, इसका हमने चेक करना है प्लेजरिज्म, जो कि डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये तो मैंने कॉपी पेस्ट की है इंटरनेट पे, ये भी चेक हो जाता है, ये भी सिखा देता हूं आपको, और प्लेजरिज्म दूर कैसे करना है वो भी सिखा देता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर पैसे दिए। आप इस तमाम टेक्स्ट को कर दें जनाब कॉपी, हो गया कॉपी। अब आप लोगों ने क्या करना है, दोबारा से आ जाए गूगल पे। अच्छा, गूगल की सर्च में आपने क्या लिखना है, ग्रामरली प्लेजरिज्म चेकर। अब यहां पर थोड़ा सा अगर आप लोग नीचे जाएं तो ये वो साइट है, ठीक है, www.grammarly.com, और आगे लिखा हुआ है प्लेजरिज्म चेकर। अच्छा, वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, हाँ, अगर आप लोग पहली बार इस वेबसाइट पे आए हैं ग्रामरली पे, तो यहाँ पर रजिस्टर का एक बटन होगा, उसको पहले आपने दबाना है, ठीक है। वहां पे अपना ईमेल एड्रेस देने के बाद आप लोग यहाँ पे पहुंच जाएंगे, बहुत ही सिंपल है। अब यहां पर जो आपने लिखा था उसको हम चेक करेंगे, बल्कि नहीं, लिखा नहीं था, आपने कॉपी किया था, उसको यहाँ पे चेक करेंगे कि उसमें प्लेजरिज्म है या नहीं, जो कि कंफर्म है कि होगा। चलें, यहाँ पे उसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ लिखा हुआ है स्कैन फॉर प्लेजरिज्म, इसको प्रेस कर दीजिएगा। चले जी, वही हुआ जो मैंने पहले कहा था, सिग्निफिकेंट प्लेजरिज्म फाउंड, इसमें प्लेजरिज्म फाउंड हो चुकी है, ये कॉपीड है। अब हमने इसको चेंज करना है। अब आपके जहन में होगा कि इसको हम कैसे चेंज करें। अच्छा, यहाँ पर अब दो चीजें हैं, एक तो ये कि अगर आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग को पता है, आप लोग आर्टिकल्स देखते हैं, तो यहाँ पर इसको खुद थोड़ा बहुत चेंज कर दीजिएगा और ओके हो जाएगा काम। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि इसको कैसे एडिट करना है, मैं क्या लिखूं क्या ना लिखूं, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं, फॉर एग्जाम्पल आपके जहन में ये आ रहा है, तो आप लोगों को मैं एक टूल और बताता हूं टेक्निकल, उसको यूज करके ऑटोमेटिक ये रिफ्रेज हो जाएगा, यानी कि खुद ब खुद ये चेंज हो जाएगा। बात समझ गए, तो अब उस टूल पे चलते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, एक एक वर्ड देखिएगा तो समझ आएगी। चलें, आज मैं आपको एक नई वेबसाइट के बारे में बताता हूं यहां पर, जिसका नाम है prepostseo.com। यहां पे मैं लिख भी देता हूं स्क्रीन पे, ताकि आप लोगों से स्पेल मिस्टेक ना हो सके। यहां पर हम पैराफ्रेजिंग करेंगे, राइट, अब कैसे करेंगे समझाता हूं। अच्छा, यहां पर अगर आप देखें तो प्लेजरिज्म चेकर यहां पर भी है, लेकिन यहां पर ये चीजें पेड है, ठीक है, आप लोग यहां पर ना जाइएगा, और पैसे आपने कहीं पे भी नहीं देने, सब कुछ हमने फ्री में करना है, पैसे कमाने आए हैं, पैसे लगाने थोड़ी। अब यहां पर जो टॉप एक ऑप्शन आ रही है पैराफ्रेजिंग टूल, आपने इसको क्लिक करना है। थोड़ा सा नीचे आएगा तो यहां पर लेफ्ट साइड पे आप लोगों ने वही सारा टेक्स्ट जो कि यहां पर लिखा हुआ था इसको करना है कॉपी, और यहां पर आके इसको कर देना है पेस्ट, ठीक है, कोई मुश्किल तो नहीं हुई ना। ये चीज याद रखिएगा कि अभी तक आपने एक भी वर्ड खुद नहीं लिखा
ठीक है, तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, बस समझते जाइएगा। यहाँ पर आप लोगों ने आई एम नॉट अ रोबोट इसको चेक कर देना है, और यहाँ पर एक बटन लगा हुआ है, क्या लिखा हुआ है इस पे, पैराफ्रेज, इसको प्रेस कर दीजिएगा। चले जनाब, तैयार हो गया आपका आर्टिकल। अब लेफ्ट पे देखें तो वही सारा आर्टिकल डिफरेंट वर्ड्स के साथ यहाँ पर आ गया है। इसको कर लेते हैं कॉपी और अपने उसी वर्ड पे चलते हैं। अब हमें ये नहीं चाहिए, इसको हम डिलीट करके यहाँ पर नए आर्टिकल को पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर प्लेजरिज्म है या नहीं ये भी हमने चेक करना है। अच्छा, यहाँ पर अगर थोड़ा सा काम आप कर लें तो गलत नहीं है। देखें, अब ये वन पे आ रहा है, फर्स्ट लैपटॉप था ये, ठीक है, इसको थोड़ा सा सेट कर दें। और टू कहाँ से शुरू हो रहा है जनाब, उसने मिक्सी कर दिया यहाँ से, ये टू आ गया। और थोड़ा सा प्रेजेंटेबल तो आपने इसको बनाना है, और मजीद पैराग्राफ आप इसमें लाजमी बना लीजिएगा, अभी टाइम कम है। तो अब हम मजीद चीज़ों पे चलते हैं। इस तमाम टेक्स्ट को जनाब कॉपी कीजिएगा। अभी हमने दोबारा चेकिंग करनी है, अब तो आपको पता है, दोबारा से ग्रामरली में जाएं और यहाँ पर अब ये पुराना टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको कर दें डिलीट और नए को कर दें पेस्ट। दोबारा चेक करते हैं। चले जी, गुड न्यूज़ यहाँ पे मिल चुकी है कि नो प्लेजरिज्म फाउंड, यानी कि अब हम इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन 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 यहाँ पर ग्रामर और स्पेलिंग वगैरह की मिस्टेक्स मौजूद हैं, यानी कि ये आर्टिकल आगे एक्सेप्ट नहीं होगा, रिजेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं। अब ये चीजें कैसे दूर होंगी, अगर तो आपको पता है तो गो फॉर इट, इसको ठीक कर लें। लेकिन अगर नहीं पता, जो कि मेजॉरिटी को इससे नहीं पता, तो आपका भाई आपके साथ है जनाब। आप लोग को एक ऐसा तरीका सिखाऊंगा कि ऑटोमेटिक आपका ये टेक्स्ट गलतियों से पाक हो जाएगा, ठीक है। चलें, अब चलते हैं दोबारा जनाब अपने गूगल पे, और यहां पर आप लोगों ने लिखना है ग्रामरली, सिर्फ ग्रामरली। पहले लिंक का इंतखाब कीजिएगा जो कि है grammarly.com। यहां पर आप लोगों ने क्या करना है जनाब, न्यू की ऑप्शन को क्लिक कर देना है। अब आप लोगों ने क्या करना है जनाब, आप लोगों ने उसी टेक्स्ट को यहां पे कॉपी करना है ताकि ग्रामर और स्पेलिंग और डिफरेंट जो इश्यूज थे वो भी क्लियर हो जाए यहां से, वो भी ऑटोमेटिक तरीके से। तो यहां चलते हैं। अब मैं इसमें पहले को ही फिलहाल कॉपी कर रहा हूं, ठीक है, ताकि जरा कम टाइम में हो जाए। आप लोगों ने टॉप 10 है तो टॉप 10 को ही लिखना है, यहां पर डन कर दीजिएगा। अब उसने मिस्टेक्स निकाल दी हैं, ठीक है। अब इन मिस्टेक्स को कैसे दूर करना है, यहां पर आप लेफ्ट पे आए तो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि करेक्टनेस, यानी कि इसमें स्पेल मिस्टेक्स कितनी है, उसने 13 मिस्टेक्स निकाल दी हैं। पहला है मॉडर्न डे की मिस्टेक निकाली है, आप इसको दबा दें। इसके बाद यहां पर क्या लिखा हुआ है, अंडरलाइन हुआ है डैट इज, अच्छा इसके बाद यहां पर लिखा हुआ है डैट इज व्हाट। अब ये क्या सजेस्ट कर रहा है, ये कह रहा है कि विच इज यहां पर होना चाहिए, हमने कर दिया। यहां पर मिस्टेक को दबाते रहें और यहां पर ये जो ब्लू में लिखा हुआ है इसको प्रेस करते रहें, ऑटोमेटिक सारा कुछ ठीक हो जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है, इतना आसान कर दिया आप चीजों को, मोबाइल पे भी सेम ऐसे आपने करना है। चलिए, अब कितनी मिस्टेक्स रह गई, यहाँ पे लेफ्ट पे लिखा हुआ भी आ रहा है, 3 अलर्ट्स अभी भी हैं, अब 2 रह गई और ये जनाब सारी करेक्शंस पूरी हो गई, लुकिंग गुड लिखा हुआ आ गया। चलिए जी, ग्रेट हो गया, अब इसमें स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं रही। अब आप इस तमाम को कॉपी करें और दोबारा जनाब उसी वर्ड के पेज पे आए और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें। काफी दफा ये पेस्ट हुआ है लेकिन अब इसमें ना तो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं ना ही प्लेजरिज्म का कोई इशू है। अब हम इसको आर्टिकल के अंदर पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम टाइटल में क्या लिखेंगे जनाब, टाइटल क्या था, टॉप 10 लैपटॉप्स, यही था ना, और कैटेगरी बिल्कुल ठीक है, टेक की ही कैटेगरी है। अब समरी में क्या लिखना है, समरी में आप थोड़ा सा लिख दीजिएगा, फॉर एग्जाम्पल दिस आर्टिकल is about top 10 laptops of the world, ठीक हो गया जनाब। अब आप लोगों ने यहां पे कंटेंट लिखना है। अब कंटेंट आपने वही वाला कॉपी करना है
जिस पे बड़ी मेहनत अभी थोड़ी देर पहले हमने की है, आपने सिंपली वहाँ पे जाना है, इसको कॉपी करना है और पेस्ट करना है। लेकिन उससे पहले थोड़ी बहुत चीज़ें तो आप खुद कर सकते हैं। देखें यहाँ पे कुछ चीज़ें बोल्ड हुई हुई हैं, सेलेक्ट करें, इसको अनबोल्ड कर दें और कुछ पैराग्राफ आप लोग लाजमी बना लें। आमतौर पर 3-4 लाइनों के बाद एक पैराग्राफ बन ही जाता है, तो कुछ ऐसे पैराग्राफ बनाएं जो कि सेंस बनाएं। ठीक है, अभी मैं जल्दी जल्दी में बना रहा हूँ, रैंडमली आप लोगों ने प्रॉपरली पैराग्राफ यहाँ पे बना लेने, ठीक है, ताकि थोड़ा सा ये प्रेजेंटेबल लगे। चलें, अब कुछ बेहतर हो गया, अब इसको कॉपी करें और वहाँ पे पेस्ट कर दें। अच्छा, पेस्ट करने से पहले आप लोग एक काम और भी करें, आप लोगों ने जाना है गूगल ट्रांसलेटर में। ट्रांसलेटर में कैसे जाना है, चलें वो भी बता देता हूँ शुरू से। यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है गूगल ट्रांसलेट इंग्लिश टू उर्दू। अब आपने जो कॉपी किया है वो यहाँ पे कर दें पेस्ट। अच्छा, ये जो आपने इंग्लिश में लिखा है वही सारा कुछ यहाँ पे उर्दू में लिख दिया गया है। अब ये जो उर्दू वाला है ये तो आप लोग पढ़ सकते हैं ना, जो लोग इंग्लिश में पढ़ सकते हैं वो इंग्लिश को पढ़ लें, ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी मुझे पता है कि उर्दू जानती है, तो उर्दू में आपने इस तमाम अपने आर्टिकल को पढ़ना है कि इसके अंदर कोई मिस्टेक तो नहीं है। क्लियर? इसके बाद जनाब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने यहाँ पे आना है और उसी आर्टिकल को यहाँ पे कर देना है पेस्ट। अब पैराग्राफ में ये गैप ज़्यादा आ रहे हैं, इसको यहीं पे आप लोग एडिट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत इसको सेट कर दें, ये सेटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब आते हैं अगली बात पे और वो है चूज़ फाइल। चूज़ फाइल में जनाब आप लोगों ने पिक्चर एक अपलोड करनी है, एक इमेज अपलोड करना है अपने आर्टिकल से रिलेटेड। अब यहाँ पर भी कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए, चलें यहाँ पर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैं आप लोगों को एक वेबसाइट पे लेके जाता हूँ, वहाँ पर कोई सी भी पिक्चर आप कॉपी कर लें, कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। गूगल पे दोबारा चलते हैं जनाब और यहाँ पर आपने लिखना है पिक्सा बे, पहली ऑप्शन का इंतखाब कीजिएगा। चलें यहाँ पर सर्च में आप लोग लिख दीजिएगा लैपटॉप्स। अब जो आपका आर्टिकल है उससे रेलेवेंट आपने यहाँ पे ढूंढनी है कोई पिक्चर। अब आपको जो भी पिक्चर यहाँ पे अच्छी लगे उसको जनाब कर लीजिएगा कॉपी। अभी टाइम कम है, मैं ज़्यादा सर्च नहीं कर सकता और सिंपली ये डाउनलोड हो जाती है, फ्री डाउनलोड है, कोई पैसे हमने लगाने ही नहीं, ये तो हम सोच के आए हैं। फ्री डाउनलोड को प्रेस कीजिएगा। यहाँ पर फ्री डाउनलोड को क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं जो कि रेजोल्यूशन है इस पिक्चर की। आप लोगों ने हाई रेजोल्यूशन पिक्चर को चूज करना है जो कि आखिर में है और डाउनलोड के बटन को प्रेस कर देना है। ये देखें पिक्चर डाउनलोड हो भी चुकी है। अब आप लोगों ने क्या करना है जनाब, इस पिक्चर को यहाँ पर चूज फाइल के बटन को दबाना है और यहाँ पर उस पिक्चर को सेलेक्ट करें और ओपन के बटन को दबा दें। पिक्चर अपलोड हो चुकी है। अब जनाब आखिरी स्टेज पे हम लोग आ चुके हैं, मैसेज टू द रिव्यूअर, यानी कि जो भी आपके इस आर्टिकल को रिव्यू करेगा ये छोटा सा मैसेज उसके लिए होगा, लाइक रिटन बाय अंजुम इकबाल। आप लोग अपना नाम लिखिएगा। इसके बाद आप लोगों ने जनाब सबमिट के बटन को दबा देना है। सबमिशन के बाद आप लोग को वेट करना पड़ेगा और आप लोगों ने क्या करना है जनाब, यहाँ पर जो लिखा हुआ है माय आर्टिकल्स, जो कि थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पर आप लोग के आर्टिकल का स्टेटस जब अप्रूव्ड हो जाएगा तो समझ जाएगा कि आप लोग की इनकम भी शुरू हो चुकी है। और याद रखिएगा कि एक आर्टिकल लिखने के बाद आप लोगों ने रुकना नहीं है, आप लोग यहाँ पर आर्टिकल्स डालते रहें, जब तमाम आर्टिकल्स से आप लोगों को पैसे आने शुरू होंगे तो यकीन जाने आप लोगों के दिल से खुद ही दुआ निकलेगी और यही दुआ पाने मैं सोशल मीडिया पे आया हूँ। अच्छा, एंड पे अगर आप लोग देखें तो चेक प्लेजरिज्म और चेक ग्रामर का बटन अवेलेबल है, लेकिन अब चाहे 10 बटन और भी आप ऐड कर दें, हमने अपने आर्टिकल को प्लेजरिज्म और हर किस्म की ग्रामर मिस्टेक से पाक कर दिया है, तो अब आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, सबमिट के बटन को दबा देना है। इस वेबसाइट से अर्निंग करने का एक और तरीका भी मौजूद है और वो क्या है, रेफरल्स। यहाँ पर आप लोगों ने अपने लिंक को कॉपी करना है और जितने भी लोगों को आप लोग जानते हैं उनके साथ शेयर करना है। जो जो लोग आपके लिंक से ज्वाइन होके यहाँ पर अकाउंट बनाएंगे और अर्निंग करेंगे तो आपको पता है कि आप लोगों को क्या मिल सकता है, 20% उनकी अर्निंग का कमीशन आप लोगों को मिलता रहेगा। कब तक? लाइफ टाइम तक, यानी कि पूरी जिंदगी आप लोगों को ये अर्निंग होती रहेगी।
अब आते हैं विड्रॉ पे। विड्रॉ करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है विड्रॉ की, लेकिन इससे पहले कि आप लोग विड्रॉ पे जाओ, आप लोगों ने करना क्या है कि पहले सेटिंग में जाना है, वहाँ पर आप लोगों ने विड्रॉ मेथड को चूज करना है, राइट। अब ये कैसे करना है, सेटिंग को दबाइएगा, सेटिंग को दबा के आप लोगों ने थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं विड्रॉ मेथड, यहाँ पर आप लोगों ने ड्रॉप डाउन मेन्यू को दबाना है, यहाँ पर आप लोग के पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, पेपॉल है, जीपे है, स्क्रिल है, पेटीएम है और फोन पे। यहाँ पर सबसे अच्छी ऑप्शन अगर आप लोग पाकिस्तान में है तो स्क्रिल की है, और अगर आप लोग पाकिस्तान से नहीं है तो आप कोई सी भी और ऑप्शन चूज कर सकते हैं जिसमें पेपॉल भी शामिल है। स्क्रिल का अकाउंट अगर आप लोग का नहीं बना तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं वीडियो का लिंक दे रहा हूं और एंड स्क्रीन पे भी लिंक दे देता हूं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया हुआ है कि स्क्रिल का अकाउंट कैसे बनाते हैं और कैसे वेरीफाई करवाते हैं। आप लोग को हार्डली 3-4 मिनट लगेंगे अकाउंट बनाने में। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने विड्रॉ में आ जाना है, ठीक है। विड्रॉ की ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है और यहाँ पर आप लोगों ने विड्रॉ के बटन को दबा देना है, ओके कर देना है। लेकिन ऑफ कोर्स अभी विड्रॉ हो नहीं सकता क्योंकि फॉर्म को मैंने प्रॉपरली अभी फिल नहीं किया। तो ये तरीका है जनाब विड्रॉ का, कोई टेंशन नहीं है, विड्रॉ की अमाउंट आप लोगों तक पहुंच जाया करेगी। मेरी कल की वीडियो को मिस मत कीजिएगा। एक रियल ऐप पे आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने अर्निंग कैसे करनी और विड्रॉ कैसे लेना है। तो बात यहां पे खत्म नहीं हुई, अभी बहुत सी रियल अर्निंग ऐप्स मैंने आप लोगों को सिखानी है। तो चैनल को ज्वाइन करना और इसकी नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने का।